छोड़ो, नहीं किया जाएगा दर्शन। तो मैं बालाजी दर्शन के लिए आई थी, इस तरह से बस दूर रूपी से बॉलीवुड एक्ट्रेस अर्चना गौतम पिछले काफी दिनों से भले ही इंडस्ट्री से दूर हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं। वो सोशल मीडिया पर आए दिन कुछ न कुछ नया पोस्ट करती रहती हैं और अपने फैंस को अपनी जिंदगी के बारे में अपडेट करती रहती हैं। ग्रेट ग्रैंड मस्ती, हसीना पारकर, बारात कंपनी जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी एक्ट्रेस अर्चना गौतम का एक वीडियो फिलहाल तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उनका गुस्से से भरा ये वीडियो TTD यानी कि तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के कर्मचारियों के खिलाफ है। एक्ट्रेस अर्चना गौतम ने TTD के कर्मचारियों पर बदसलूकी का आरोप लगाया है। वहीं TTD ने भी इन आरोपों को मानने से इनकार किया है। आपको बता दें कि एक्ट्रेस अर्चना गौतम ने अपने ट्विटर अकाउंट पर गत 5 सितंबर को एक सेल्फी वीडियो पोस्ट किया है। इसमें वो TTD के खिलाफ शिकायत करती नजर आ रही हैं। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कुछ लोग अर्चना को रिकॉर्डिंग करने के लिए रोक रहे थे। इस वीडियो में अर्चना का रोना और चिल्लाना सुना और देखा जा सकता है। इस वीडियो को अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट करने के साथ ही अर्चना ने कैप्शन में लिखा है, भारत के हिंदू धर्म स्थल लूट का अड्डा बन चुके हैं। धर्म के नाम पर तिरुपति बालाजी में महिलाओं के साथ अभद्रता करते इन TTD के कर्मचारियों पर कार्यवाही होनी चाहिए। मैं आंध्रा सरकार से निवेदन करती हूं और ये VIP दर्शन के नाम पर 10,500 रुपए एक आदमी से वसूल रहे हैं। ऐसे लूटना बंद करो। देखें आप भी वीडियो। गाइस, मैं यहाँ बालाजी तिरुपति बालाजी दर्शन के लिए आई हूं और मैंने टिकट भी ले लिया, रिसिप्ट भी ले लिया। ఎవరు బాబా పంపించింది వెళ్ళి పంపించారా आओ छोड़ो यार। क्या किया कुछ पीपल? व्हाट इज माय मिस्टेक? आओ यार छोड़ो। आओ यार छोड़ो। नहीं किया जाएगा दर्शन। तो गाइस, मैं बालाजी दर्शन के लिए आई थी, इन लोगों ने मेरे को बताया नहीं कि कल टिकट मिलेगा और आज मेरे पास रिसिप्ट है, टिकट है मैसेज है। ये लोग टिकट नहीं दे रहे हैं, ये लोग टिकट नहीं दे रहे हैं, ये लोग मुझसे चार्ज कर रहे हैं 10,000 रुपीज। कह रहे 10,000 रुपीज ये लोग चार्ज कर रहे हैं तब जाके बालाजी दर्शन करने देंगे, ठीक है। और ये इस तरह से बस दूर रुकी से See this.